सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ पायरोक्सिन मिनरल्स। तो ये आपको मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा, इसमें थ्री इन मेंबर्स होते हैं, वोलेस्टोनाइट CaSiO3, एनस्टेटाइट Mg2SiO6 एंड फेरोसिलाइट Fe2SiO6। ठीक है, इसके अलावा 50% पे जब पहुंचते हैं हम, तो यहाँ पे एक सीरीज होता है डायऑक्साइड और हेजेनबर्गजाइट सीरीज होता है। उसके बाद जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पे ऑगाइट फॉर्म होता है, फिर जैसे नीचे आओ पिजियोनाइट फॉर्म होता है, फिर यहाँ पे एनस्टेटाइट एंड फेरोसिलाइट है। अब देखो जब ये वाला पार्ट क्या है, ऑर्थोपायरोक्सिन है, ये क्लाइनोपायरोक्सिन है। ऑर्थोपायरोक्सिन क्या होता है, ऑर्थोरम्बिक होता है, एंड क्लाइनोपायरोक्सिन जो होता है मोनोक्लिनिक होता है। तो ये बेसिक मिनरल्स आपको पता होंगे इतने होते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, जहां से ये पायरोक्सिन का शुरू होता है इसके ऊपर पायरोक्सिन आपको नहीं मिलेगा, नो पायरोक्सिन मिनरल्स यहाँ लिखा हुआ है। ओके, जहां से ये पायरोक्सिन मिनरल आपको होता है वहां से यहाँ तक देखो, इसको क्या बोलते हैं, पायरोक्सिन बॉडी लेटर, है ना, ये टर्म याद रखेंगे, पायरोक्सिन बॉडी लेटर। ओके, तो अब देखो ये इसमें से पहले से कौन सा बनता है ना, कौन सा सीरीज कैसे बनता है, किस सीक्वेंस में यहाँ पे मिनरल फॉर्म होता है, वो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो जैसे कि मैंने बताया ऑर्थोरम्बिक में क्या होते हैं कि एनस्टेटाइल फेरोसिलाइट, जो ये लास्ट वाले होते हैं ना, इसको एनस्टेटाइल एंड फेरोसिलाइट होते हैं। सिमिलरली मोनोक्लिनिक पायरोक्सिन में ये आते हैं, ओके, जो कि क्लाइनोपायरोक्सिन बोलते हैं जिसको। ओके, इन दोनों के अलावा सोडिक पायरोक्सिन भी होता है जिसमें कि जेडाइट एंड एजरीन होता है एग्जाम्पल। ओके, ये सब कैसे फॉर्म होता है आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। अगेन देखो अब क्या होता है, ये जो एनस्टेटाइड होता है, फेरोसिलाइड होता है, इसमें सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, एनस्टेटाइड। एनस्टेटाइड कैसे, अब बोवेन रिएक्शन सीरीज में याद होगा ऑल्विन के बाद पायरोक्सिन फॉर्म होता है। ठीक है, पायरोक्सिन में सबसे पहले क्या बनता है, एमजी कंटेंट वाला बनता है एनस्टेटाइड, एनस्टेटाइड। ओके, एनस्टेटाइड क्या है, ऑर्थोपायरोक्सिन है। ओके, एनस्टेटाइड और फेरोसिलाइड के बीच में सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन एनस्टेटाइड एंड फेरोसिलाइड। अब देखो ये वाला डायग्राम इसका सॉलिड सॉल्यूशन का कैसे होता है, सबसे पहले देखो ये एनस्टेट, ये आपको बेसिक पता होगा लिक्विडस है, इसके ऊपर सारा मेल्ट है ना, जैसे इस टेम्परेचर के नीचे आएगा तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा एनस्टेटाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ, इस टेम्परेचर पे टेम्परेचर इधर इंक्रीज कर रहा है, तो इस टेम्परेचर पे एनस्टेटाइड बचा, तो उसके बाद ये जैसे एनस्टेटाइड क्रिस्टलाइज होता गया तो जो मेल्ट होता है ना वो मेल्ट क्या होगा, Fe रिच होता जाएगा, है ना, उसमें से Mg की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी और Fe रिच होता जाएगा, फिर इस टेम्परेचर पे जो आपका फेरोसिलाइड बनता है। तो सबसे पहले क्या बना, एनस्टेटाइड बना। ओके, अब फिर देखो जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ आयरन फॉर मैग्नीशियम एग्जिस्ट बिटवीन डायऑक्साइड टू हाइजेनबर्गजाइट। अब देखो डायऑक्साइड में क्या होता है CaMgSiO6 एंड इसमें क्या है △CaFeSiO6, तो यहाँ पे क्या हुआ Mg जो है Fe में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो गया आयरन फॉर मैग्नीशियम, क्या होता है कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयरन फॉर मैग्नीशियम, आयरन आयरन सब्स्टिट्यूट कर देता है Mg को, तो ये हाइजेनबर्गजाइट बन जाता है। तो ये इसलिए इस सीरीज को नाम दिया गया डायऑक्साइड टू हाइजेनबर्गजाइट। ओके, तो इसी तरह इसमें देखोगे सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, डायऑक्साइड फॉर्म होता है ना, सिमिलरली इस लाइन पे ये क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा तो लास्ट में फिर हाइजेनबर्गजाइट बनता है। तो इस तरह से इसको फॉलो करता है, तो मतलब कि ये हाई टेम्परेचर पे बनता है, ये इससे लो टेम्परेचर पे बनता है। अगर टेम्परेचर तो हम रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो इसी तरह एनस्टेटाइट हाई टेम्परेचर पे बनता है, पिजियोनाइट उससे लो टेम्परेचर पे बनता है, ऑगाइट उससे लो पे, और डायऑक्साइड हाइजेनबर्गजाइट उससे लो पे बनता है। अब बात करते हैं हम कि इसके अलावा जो मिनरल होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम ऑगाइट कैसे फॉर्म होता है। ऑगाइट इज द रिलेटेड टू मेंबर ऑफ डायऑक्साइड हाइजेनबर्गजाइट सीरीज विथ लिमिटेड सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, Na फॉर Ca2+, Al फॉर Mg2+, Fe एंड Al3 फॉर SiO4। तो देखो ये बना कैसे ऑगाइट मिनरल ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे Ca था, Ca को क्या हुआ कि कुछ Na ने सब्स्टिट्यूट किया, तो कुछ Ca रहा कुछ Na हो गया, उसके बाद बोला Al3 फॉर Mg2+,
तो ये जो Mg2+ था उसको क्या हुआ, Mg तो है ही, कुछ पार्ट को Al ने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ये Al का भी एलिमेंट आ गया। ओके उसके बाद बोला Fe2 एंड Al3 SiO4, तो जो ये Si वाला था, Si2 था, इसमें से कुछ पार्ट को Al ने रिप्लेस किया। ओके तो यहाँ पे जो Si था, जो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में था, उसमें कुछ Al के भी एलिमेंट आ गए, तो यहां से ये तीन एलिमेंट आए, Al यहाँ पे आया। ओके और ये Al, Al जो ऑक्टाहेड्रोनिक कोऑर्डिनेटेड होता है, यहां से आया Mg को रिप्लेस करके, और यहाँ पे जो है एक्स वाला जो पार्ट था फॉर्मूला में, उसको वहां पे Ca को Na ने रिप्लेस किया। तो ये फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, CaNa, ओके Mg Fe Al Si के साथ यहाँ पे Al भी आ गया 2O6। तो इस तरह से ऑक्साइड का फॉर्मूला जनरेट होता है और ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। अब पिजियोनाइट की बात करें जो कि मोनोक्लिनिक होता है, वो क्या होता है, इज अ फील्ड ऑफ मैग्नीशियम आयरन सॉलिड सॉल्यूशन विद अ स्लाइट हायर कैल्शियम कंटेंट देन द ऑर्थोरम्बिक एंथ्रेटाइट एंड ऑर्थो फेरोसिलाइट सीरीज। तो ये जो ऑर्थोरम्बिक वाला एंथ्रेटाइट एंड फेरोसिलाइट सीरीज होता है, जब इसमें सीए कंटेंट इंक्रीज होता है तो ये क्या पिजियोनाइट बनाता है, और ये पिजियोनाइट किसमें आता है, मोनोक्लिनिक में आता है। तो याद रखेंगे यहां से पिजियोनाइट मोनोक्लिनिक होता है, और इसमें सीए कंटेंट कितना होता है, 5% से लेके 20% तक होता है सीए कंटेंट। तो मतलब होता है इसी सीरीज से बनता है, लेकिन यहाँ पे सीए सीरीज सीए की कंटेंट जब ज्यादा हो जाती है तो वो पिजियोनाइट होता है। इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होता है। ओके तो इस तरह से यहाँ पे पिजियोनाइट बना। नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा जो बाकी मिनरल है वो कैसे फॉर्म होते हैं। अब देखो जो कि हम पाइरोक्सिन क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे थे, इसके अलावा भी, इससे बाहर भी कुछ पाइरोक्सिन के मिनरल होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। वो उसके लिए जो मैकेनिज्म है दैट इज कपल सब्स्टिट्यूशन। उसमें से सबसे पहला मिनरल है पाइरोक्सिन JDI। ओके इसमें देखो क्या होता है, दिस इज द कपल सब्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे Na एंड Al क्या करता है, Mg2+ को रिप्लेस करता है। तो ये जो एंथ्रेटाइट वाला है, ये वाला यही पे जो एक्स्ट्रा पाइरोक्सिन बनेंगे वो इसी पे बनेंगे। तो यहाँ पे 2 Mg2+ को क्या रिप्लेस करता है, Na+ प्लस Al3+। Al3+ तो यहां से देखो आप 2+ होता है तो इसका चार्ज भी बैलेंस हो गया, 2×2 4+ हो गया, और यहाँ पे ++3+। तो यहां से चार्ज बैलेंस करने के लिए, इसलिए ये कपल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है कि 2 Mg को रिप्लेस किया एक Na और एक Al ने, तो फिर यहां से JDI का फॉर्मेशन। सिमिलरली एक और मिनरल होता है एजरीन, जिसको कि एक्माइट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो Mg2+ थे, 2 Mg2+ को यहाँ पे Na+Fe3 रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बनाता है, Na आ गया Fe Si2O6, तो यहां से बन गया आपका एक्माइट। ओके सिमिलरली एस्पोडोमीन एक मिनरल होता है जो कि अगेन इसी एंथ्रेटाइट में ही बनता है, जिसको की कपल सब्स्टिट्यूशन Li+ एंड Al3+ है ना, ये रिप्लेस करता है 2 Mg2+ को। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, LiAlSi2O6। तो देखो आप, मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो कितनी आसानी से कि मतलब इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 आयंस की जरूरत पड़ रही है, 2 कैटायंस। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, नोटिस कर रहे हो कितनी आसानी से यहाँ पे आप फॉर्मूला इसका याद रख सकते हो। अब देखो लिथियम जो है इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, तो इसका एग्जांपल भी एस्पोडोमीन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके इसी तरह से और कुछ एग्जांपल है, जैसे कि जॉनसेनाइ एंड ऑस्मोक्लोर। इसी तरह से पाइरोक्सिन के कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि जॉनसेनाइट एंड कॉस्मोक्लोर। अब कॉस्मोक्लोर में को यूरियाइट बोलते हैं, जिसमें कि क्रोमियम होता है, इसलिए इसका एक एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए
कि किस पायरोक्सिन में क्रोमियम होता है, दैट इज कॉस्मोक्लोर या फिर यूरिया, तो ये याद रखेंगे। ओके, तो यहां से ये था कि कैसे फॉर्मूला मेंडल का, जो पायरोक्सिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर उसका जो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।